एलर को नमस्कार, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे इस MTB के बारे में, जो है लाइफ लॉन्ग फाल्कन 27.5T MTB। तो इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको मैं सब कुछ समझा दूंगा। तो एक हम काम करेंगे, एक जल्दी से एक वॉक अराउंड करके आते हैं। तो चलो, जैसे कि आप लोगों ने देखा इसका वॉक अराउंड, तो अभी हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे हैंडल से। जो आप जैसे कि आप ये हैंडल का जो विड्थ है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ऑफ रोडिंग के बाद की कंट्रोलिंग भी ऑसम है। तो आप एक हमें एक स्टील बार का हैंडल बार देखने को मिल जाता है। और टायर के बारे में बात करेंगे तो ये 27.5T एक हमें एक टायर देखने को मिल जाते हैं। और आगे एक मस्त मैकेनिकल डिस्क ब्रेक है जो स्पैडम के कंपनी का है। ये भी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि मैं स्टॉपिंग सब करता रहता हूँ तो मुझे परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि आप हमें एक चार रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं व्हील्स के लिए, दो आगे और दो पीछे। और पीछे भी हमें एक डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है स्पैडम का विद द सेम कंपनी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छे डिस्क ब्रेक है। तो मुझे ऑलमोस्ट ये परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और इसके फ्रेम के साइज़ में बात करेंगे तो हमें मिलता है 17.5 इंचेस का एक पूरा स्टील फ्रेम है। तो हमें एक ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है नीचे, जो लिखा है फाल्कन और ग्रीन ग्राफिक्स के साथ, ऊपर भी लिखा है लाइफ लॉन्ग। और जब इसका जो टोटल बॉडी कलर है वो हमें मिल जाता है एब्सोल्युटली एक मैट ब्लैक में। और यहाँ पे भी एक छोटा सा लाइफ लॉन्ग का ब्रांड लिखा है। और आपको हर जगह ब्रांडिंग्स देखने को मिल जाता है इसका, लाइफ लॉन्ग हर जगह लिखा हुआ है। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ भाई ये एक लाइफ लॉन्ग का ही है। तो अगर हम देखेंगे इसका कुछ ओवरऑल लुक ऐसा है। अगर हम बात करेंगे इसके गियर्स के बारे में, ये एक सिंगल स्पीड गियर साइकिल है। तो हमें एक ऑप्शन भी मिल जाता है नीचे, वो लिखा वो है हमें एक गियर्स भी लगवा सकते हो अगर आप चाहो तो, जो इसका फ्रंट डिरेलर है। एक भी आगे एक सिंगल स्पीड ही मिल जाता है, तो चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से कोई भी गियर लगवा सकते हो साइकिल में, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे एक लेबलिंग देखने को मिल जाता है 27.5 जो इसका व्हील साइज़ है। तो अब इसका जो टायर है वो है एक अच्छे ग्रिप के साथ मिल जाते हैं, जैसे कि आप ये बटन्स देख सकते हो। रोड के टाइम बहुत ही अच्छा ग्रिप देता है, कोई स्कीडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है आप, और ठीक से आप चला भी सकते हो यहाँ पे ग्रिप पकड़ के। तो अगर हम ब्रेक्स के बारे में बात करेंगे, जो इसका लीवर है वो प्रॉपर एल्यूमिनियम का मिल जाता है एक स्टैंडर्ड ग्रिपिंग के साथ। और दोनों तरफ ही हमको स्टैंडर्ड ग्रिप्स मिल जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ग्लव्स पहन के ही राइड करो। और इसका जो फ्रेम स्टील का है, जो स्टेम है हैंडल स्टेम, वो एक पूरा स्टील का मिल जाता है। तो ऑफ रोडिंग के वक्त एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट को झेल लेता है आराम से, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है उसको। और आगे एक वाइट कलर का रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है और एक पीछे रेड कलर का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है इसका एक रेड कलर का रिफ्लेक्टर पीछे, रात को में ये बहुत अच्छे काम करते हैं। और इसका सीट के बारे में बात करो तो एक अच्छे कुशनिंग के साथ आता है, तो ऑफ रोडिंग के समय भी एक अच्छा सा कंफर्ट देता है हमें। और इसका जो क्विक रिलीज सिस्टम है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा एक्चुअली। आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो, आपको कोई टूल्स लेके नहीं जाना पड़ता, सिर्फ लीवर खींचो और एडजस्ट करो, ख़त्म। और इसके हाँ, मुझे एक स्टैंड भी मिला था इसके साथ ही पैकिंग में, क्योंकि मुझे पैकिंग में एक कुछ नहीं मिला था, ना मडगार्ड, ना बॉटल होल्डर, ना लॉक। मैंने अलग से सब लगवाए हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये बॉटल होल्डर है जो मैंने खुद लगाया, और एक लॉक है जो मैंने ही लगाया था। तो मुझे मडगार्ड्स और ये सब मुझे नहीं मिले, बस टूल्स मिले थे। और यहाँ पे पावर ब्रेक्स लगाने का एक ऑप्शन है, चाहे तो आप पावर ब्रेक्स लगवा लो। और ऊपर है यहाँ पे मडगार्ड लगाने का भी एक ऑप्शन है, चाहे तो आप मडगार्ड भी लगा सकते हो। हाँ, ये मडगार्ड लगाने के लिए ही है। और बस इतना ही है इसमें, कुछ कहने का कुछ ज़्यादा तो है नहीं। पर इसका जो सस्पेंशन है ये भी मुझे बहुत अच्छा काम करते हुए मिले, क्योंकि कोई ब्रांड का नहीं है फिर भी बहुत अच्छा काम करता है, इसको मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।